क्या सांझ है ममता बैनर्जी और सोमनाथ चटर्जी में? मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तराखंडी महिलाओं के सम्मान का सौदा करके नारायण तिवारी मुलायम सिंह की बदल में क्यों बैठे? कभी आपके हितों की अनदेखी करते करुणा नीति ने देवे गावड़ा को नेता क्यों स्वीकार किया? अपने घावों की पीड़ा भूलकर, ममता जी अपने घावों की पीड़ा भूलकर आप सोमनाथ जी के साथ मतदान कैसे कर रही हैं? ठीक है, ठीक है, ममता जी आपको बोलना है, इसके लिए एडवांस नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है, आपका नाम आपकी पार्टी से आएगा तो बोल लीजिएगा, उनको बोल लेने। मैं बताना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, मैं नाम क्यों ले रही हूँ। मुझे वो दृश्य जस का तस याद है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। मैं राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में बैठी थी, इसी सदन में नरसिंह राव जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हो रहा था। मैं वहां से बैठी देख रही थी, एक व्हील चेयर के ऊपर ममता जी को लाया गया था, यहीं बैठी थी वो, चोटों से आए बुखार के कारण कांप रही थी। बराबर में बैठी दो सांसद महिलाओं ने उन्हें लाल कंबल उठाया था। वहां बैठी हुई मैं उस समय कम्युनिस्टों की हिंसक प्रवृत्ति को कोस रही थी। मुझे मालूम है ममता जी के विरोध के स्वर बहुत मुखर होते हैं, लेकिन हम उनके विरोध के अधिकार को मान्यता देते हैं, हम उनके विरोध के अधिकार को स्वीकृति देते हैं, हम उनके आवाज को गैर करने के लिए उन पर हमला नहीं करते। इसलिए पूछना चाहती हूँ ममता जी से आज, कई सदन में सीपीएम के साथ बैठकर मतदान करेगी और पश्चिम बंगाल में जाकर उनके विरोध की राजनीति करेंगी, ये कैसी सांझ है ममता जी, ये कैसा गठबंधन?